अलवर जिले के थानागाजी के समीपवर्ती भालकों के ठाड़ी में विगत 15 दिन पूर्व युवती से दुष्कर्म के मामले में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरोपी को थानागाजी पुलिस ने किया गिरफ्तार। थानागाजी समीपवर्ती भालकों की ठाड़ी में विगत 15 दिन पूर्व युवती से दुष्कर्म करने के मामले में हुई मारपीट को लेकर पुलिस के द्वारा राजनेता के दबाव में आकर दुष्कर्म पीड़िता की माँ पार्वती, चाचा सुरेश भाई योगेश को तो मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में जेल भेज दिया। वह बाकी परिवार के लोग गिरफ्तार होने के भय से घरों से फरार चल रहे थे, जबकि दुष्कर्म पीड़िता भी घर छोड़कर पुलिस के द्वारा परेशान करने पर अपनी मौसी के घर चली गई। गौरतलब बात यह है कि युवती के साथ दुष्कर्म होने की रपट थाने में दर्ज है। वहीं एसपी ने स्वीकारा कि दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि निचले स्तर के अधिकारियों ने दुष्कर्म की रिपोर्ट को ही संदेह के घेरे में खड़ा कर जाँच के लिए कहा। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार वाले तो जेल के सलाखों में हैं, वह दुष्कर्म करने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसके कारण मोहल्ले वासियों में भारी आक्रोश था। थानागाजी थाने में 25 फरवरी को एक 19 साल की युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। दुष्कर्म के मामले को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें आरोपी रतन भी घायल हो गया था। अस्पताल से घर आने पर मंगलवार को आरोपी रतन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पीड़िता की उसी दिन 164 के बयान करा दी गई थी और मेडिकल करा दिया गया था। अलवर से गिरिराज प्रसाद सोलंकी की रिपोर्ट। देखिए, ये जो रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें हमने 164 के बयान और मेडिकल पीड़िता के उसी दिन करा लिए थे। मैं भी मौके पर जा आई थी और क्योंकि जो आरोपी था उसके साथ मारपीट हुई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो इसलिए आज उसके खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुए उसे आज थानागाजी थाने पर गिरफ्तार किया गया। आगे क्या फर्दर कार्रवाई होगी इस मामले में? आगे इसमें जैसे भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी एविडेंसेस ऑन फाइल हैं, उसके बाद इनको जेसी या पीसी जैसा भी आईओ मानेंगे वो करेंगे और उसके बाद इसमें चालान पेश किया जाएगा। लड़की का आरोप है उसको लगातार धमकियां मिल रही हैं आरोपियों की। इस तरीके की अगर कोई भी बात है, ये हम तक अभी तक आई नहीं है। अगर पीड़िता को किसी भी तरीके की ऐसी कोई आशंका है तो वो थाने पर या मेरे पास आके इस तरीके की बात कह सकती हैं और उनको हम तुरंत उसमें एक्शन लेकर जो भी विधिवत कार्रवाई होगी उसको करेंगे।